अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द करण नाज शो। मैं हूं करण नाज, शुक्रगुजार हूं आपकी, आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। मरियम नवाज साहिबा, उनकी एक और वीडियो माफ कीजिएगा, ऑडियो सामने आई है जिसमें वो फरमा रही हैं कि देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट कैसी जियो और दुनिया ने ऐसी तैसी फेर दी। मरियम नवाज साहिबा, पहले तो उनके बेटे की शादी, माशाल्लाह तवील शादी, जबरदस्त शादी रही, बड़े खूबसूरत उनके लुक्स रहे, तस्वीरें आती रहीं, उनको सबसे पहले तो इस चीज़ पर बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन उसके बाद जो ये एक और ऑडियो इनकी सामने आई है, इससे पहले कुछ अरसा पहले इनकी एक ऑडियो सामने आई थी कि अब हमारा समा गालिबन 92 न्यूज़ और ARY और एक और चैनल का, चार चैनल्स का उन्होंने नाम लिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके साथ अब हमारा और मज़ीद नहीं काम चल सकता, तो इनके कमर्शल्स आज से बंद। फिर समा टीवी के ही एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, सीनियर एंकर पर्सन है नदीम मलिक साहब, उनके बारे में कहा था कि इनका जो एंकर है नदीम मलिक, तो अब इनके साथ समा के साथ काम नहीं हो सकता है, इनको कमर्शियल्स नहीं जाने चाहिए। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लेकिन क्योंकि अभी मरियम नवाज साहिबा की वीडियो ऑडियो सामने आई है तो मैं इसी वजह से कैटेगोरिकली उन्हीं के ऊपर बात करूंगी। जब एंकर्स के प्रोग्राम्स बंद होते हैं, जब जिनकी इस हुकूमत में या किसी और की हुकूमत हो और वो खुद अपोजिशन में हो, तब मीडिया के साथ कुछ हो रहा हो तो वो सबसे ज्यादा पेट में मरोड़े उठती हैं जी। अभी पिछले दिनों जब हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद हुआ या असद तूर के ऊपर अटैक हुआ, मरियम नवाज साहिबा उनकी पूरी टीम पहुंची हामिद मीर साहब के साथ जी, मरियम नवाज साहिबा उनकी पूरी टीम खड़ी हुई है, असद तूर उनके वीलॉग्स भी बाद में देखे किस तरह से वो खवातीन एंकर्स के लिए बात करते रहे, मैं क्या कुछ करते रहे, बहरहाल मैं उस डेप्थ में, उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती। बट असद तूर को मार पड़ी या असद तूर के साथ जो भी कुछ हुआ, उस पर मरियम नवाज और उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंच गई और बड़ा बबांगे दोहल मरियम नवाज ने, उनकी पूरी टीम ने ये बातें की कि जी मीडिया की आजादी होनी चाहिए, मीडिया पर कदगन नहीं लगनी चाहिए, मीडिया पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को हकाइक दिखाने से रोका जा रहा है, मीडिया को सच दिखाने से रोका जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं और जब मैं उनसे सख्त सवाल करती हूं तो फौरी तौर पर मुझे ताना देते हैं कि जी आपको तो PTI से लिफाफा मिला हुआ है, आपको तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिफाफा दिया है, आप तो पेड एंकर हैं, आपको तो पैसे मिले हुए हैं, जब सख्त सवाल किया जाए। दूसरी तरफ आप मीडिया की आजादी की बात करते हैं और आपका अपना किरदार क्या है कि आपकी किस किस तरह की ऑडियो सामने आ रही है, मीडिया मैनेज करने के इल्जाम मरियम नवाज साहिबा पर लगते रहे हैं, वजीर आजम हाउस के अंदर मीडिया सेल मरियम नवाज साहिबा चलाती रही हैं, ये इल्जाम उनके ऊपर लगते रहे हैं। अभी एक ऑडियो लीक आज सामने आई है जिसमें फरमा रही हैं कि जी कैसे ऐसी तैसी फिरवा दी। उससे पहले एक ऑडियो इनकी सामने आई जिसमें वो कह रही थी कि जी समा के और दीगर चैनल्स को कमर्शल अब नहीं जाने चाहिए, जिसका मरियम नवाज साहिबा से जब सवाल हुआ तो उन्होंने इस चीज को अग्री किया कि हाँ जी वो मेरी ही ऑडियो है, उन्होंने बताया कि हाँ वो मैं ही कह रही थी, मैंने ही कहा था कि समा को, ARY को और दीगर चैनल्स को कमर्शियल्स नहीं जाने चाहिए। एक तरफ आप मीडिया की आजादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप मीडिया को खरीदने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बताते हैं कि कौन कौन से चैनल्स हैं जिसके जरिए आप अपने एजेंडे को बेच सकते हैं या जिसके जरिए आप मीडिया पर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका, जो आप दिखाना चाहते हैं, आप वो सेल कर सकते हैं, आप वो बेच सकते हैं। या तो आप एक साइड पे होते हैं कि हाँ जी मीडिया को आजाद आपके दौर में भी होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी होना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी होना चाहिए, या किसी की भी हुकूमत हो मीडिया को आजाद होना चाहिए, मीडिया जो है उसको वो दिखाना चाहिए, या तो फिर आप इस एजेंडे पर हो, या तो फिर जब आप ऑपोजिशन में हो तब भी ये बात करें, जब आप हुकूमत में हो तब भी ये बात करें, जब आप ऑपोजिशन में हो हुकूमत की बुराई दिखाई जाए, आपकी बुराई दिखाई जाए, आप उसको तस्लीम करें, जब आप ऑपोजिशन में हो, जब आप हुकूमत में हो तब भी, जब आपकी बुराई दिखाई जाए आप उसको भी तस्लीम करें। लेकिन जनाबे वाला, जब आप हुकूमत में होते हैं तो उस वक्त आप मीडिया को इस तरह से खरीदने की बात करते हैं, उस वक्त आप मरियम नवाज साहिबा जो चैनल्स आपके खिलाफ, जो आपकी हुकूमत के खिलाफ खबरें चला रहे हों, जो आपकी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हों, जो बता रहे हों कि आप आवाम के सामने बेचते क्या हैं, आप आवाम के सामने बोलते क्या हैं और आप पीछे करते क्या हैं, वो चैनल्स अगर आपकी हकीकत जब आवाम को दिखा रहे होते हैं तो आप उनके कमर्शियल्स रोकते हैं, आप उनको माशी तौर पर बदहाल करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ आप PDM की पूरी तहरीक निकाल रहे हैं कि जी आवाम इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं,
गरीब गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है, गरीब पिसता चला जा रहा है, दूसरी तरफ मीडिया चैनल्स को बदहाल करके, उनका माशी तौर पर बॉयकॉट करके, आप जहां मीडिया चैनल्स में जहां हजारों लोग मुख्तलिफ इदारों में हजारों लोग काम करते हैं, आप उनके चूल्हे ठंडे करने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ आप जो मौजूदा हुकूमत है आप उनके लिए कहते हैं कि जी ये माशी बहरान पैदा कर रहे हैं, ये गुर्बत को हवा दे रहे हैं, ये गरीब को गरीब से गरीब तर कर रहे हैं। अपना किबला भी तो दुरुस्त कीजिए। मरियम साहिबा के लिए ये उनकी पहली तो ऑडियो है नहीं, या ये उनके ऊपर पहला एलिगेशन तो है नहीं कि वो मीडिया को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, या वो मीडिया को ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, या वो मीडिया के जरिए अपने एजेंडे को, अपने झूठ को, सच को, सच को झूठ को मलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। बल्कि ये उनकी दूसरी तीसरी ऑडियो सामने आ गई। इससे पहले भी मरियम साहिबा के क्रेडिट पर काफी सारी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि डॉन लीक्स के हवाले से मरियम साहिबा का नाम सर फहरिस्त है। इसके अलावा अभी जो मैंने रिसेंट पास्ट का आपको बताया, जो ऑडियो इनकी सामने आई थी जिसमें उन्होंने माना कि ये मेरी ऑडियो है, और अब आज भी जब मुस्लिम लीग नून के लोग मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, या ऑफ द रिकॉर्ड अगर किसी से बात हो रही है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि जी ये मरियम साहिबा के ऊपर ही एलिगेशन क्यों लगते हैं, ये मरियम साहिबा की ही ऐसी चीजें सामने क्यों आती हैं, तो हैरानगुन जवाब मिलता है। और जवाब ये मिलता है कि जी बात को सियाक व सबाक से हटाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप में से कोई भी जिसने इस ऑडियो को सुना, या मैं लफ्ज ब लफ्ज आपको बता देती हूं, आपको ऐसा कहीं समझ आता है कि इस बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, देखा मेरा मीडिया मैनेजमेंट का काम कि फलां फलां चैनल ने ऐसी तैसी फेर दी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने अग्री किया अपनी ही वॉइस नोट में, अपने ही वॉइस नोट में उन्होंने बताया कि वो मीडिया को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कुछ मखसूस उनके चैनल्स हैं जिसके जरिए वो अपने एजेंडे को या अपनी अपनी चीज को सही साबित करने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए उन चैनल्स के थ्रू काम करवा रही हैं। ये मरियम नवाज साहिबा का ऑडियो मैसेज सामने आया है। मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बात करने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि मैं किसी और मौजूदा हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत के कारनामों को या उनका वजीर आजम को सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूं, या उनके जो उनकी बैड गवर्नेंस है उनको छुपाने की कोशिश कर रही हूं, या मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि नहीं जी जो मौजूदा हुकूमत है वो तो दूध और शहद की नहरें बहा रही है और सारा का सारा जो कबाड़ मचाया है या जो सारा की सारी बर्बादी मचा रही है वो मरियम साहिबा मचा रही है, मुस्लिम लीग नवाज मचा रही है। मैं हरगिज ये नहीं कह रही हूं, लेकिन मैं स्पेशली मरियम नवाज साहिबा आपकी बात कर रही हूं कि जब आप मीडिया की आजादी की बात करती हैं तो बात करने के साथ साथ आपका अमल भी वैसे ही होना चाहिए। आप मीडिया को आजाद करने की, किसी की मार पड़ जाए, किसी का प्रोग्राम बंद हो जाए, जिस तरह से आप कंडोलेंस के लिए, जिस तरह से आप ताजियत के लिए, जिस तरह से आप हमदर्दी के लिए वहां पहुंच जाती हैं, तो अपने दौर में आप जो कुछ मीडिया के साथ करती रही हैं कम से कम आपको वो भी याद रखना चाहिए, कम से कम आपको ये भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आज मौजूदा हुकूमत महंगाई कर रही है, माशी बहरान पैदा कर रही है, तो आप भी मीडिया वर्कर्स के साथ ज्यादतियां कर चुकी हैं, आप भी ये सारा काम कर चुकी हैं जिसको आप अपने मुंह से अग्री कर चुकी हैं, आप बता चुके हैं कि हाँ जी वो मेरे ही ऑर्डर से, मैंने ही कहा था कि चैनल्स को कमर्शियल नहीं देने। अब बेचारे आपकी टीम के लोग ऑब्वियसली, क्योंकि पार्टी आपकी है, जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं सारे, उनको ताबेदारी करनी है, उनको जी हुजूरी करनी है, तो वो लोग बेचारे मासूम मजलूम सीनियर लोग हैं, पुराने सियासतदान है, मंझे हुए सियासतदान है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है उनको देख के जब वो आकर आपकी इस तरह की ऑडियोस को या आपकी इस तरह के स्टेटमेंट्स को आकर डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उनको देखकर बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि ये पॉलिटिशियंस हैं, इनका काम है कानून साजी, इनका काम है अगर ये ऑपोजिशन में है तो हुकूमत पर तनकीद करना, हुकूमत को ट्रैक पर लाने की कोशिश करना, लेकिन ये बेचारे बैठकर मरियम नवाज साहिबा के इस तरह के स्टेटमेंट्स को, उनके इस तरह के कामों को डिफेंड कर रहे होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।